So good afternoon everyone. My name is Khushal. I'm working with Innoble IP and looking after IPR cell of WIPS. So today we are here basically for the session of intellectual property rights. I hope many of you might have already heard about this term, intellectual property, patent, trademark, copyright, designs. Suna hai kisi ne? From the students? Patent kya hota hai? Just brief knowledge, क्या आपको पता है आज तक इसके बारे में? कॉपीराइट का वर्ड सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है. ट्रेडमार्क क्या होता है सुना होगा कभी किसी ने? जस्ट जो भी नॉलेज है, सो दैट आई कैन सिनर्जाइज विद यू गाइज एंड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल. एनीबडी? ओके. सो as you see the term intellectual property, right? So this is some kind of property. So if I say we have two types of assets, for example, agar mere paas koi physical asset hai, that is either my bike, my house, so that is my physical asset. My mobile phone is my physical asset, right? Isko hum kya bolte hain? Tangible asset. Agar aapke paas ghar hai to kya wo document hai jo ye bolta hai ki ye ghar aapka hai? Aisa koi document hota hai na, ispe likha hota hai ki ye ghar belongs to you or to your father. What is that document? रजिस्ट्री. सिमिलरली फॉर योर बाइक और व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, क्या डॉक्यूमेंट होता है जो ये बोलते हैं व्हीकल आपका है? आरसी, दैट इज ऑल्सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सो फॉर टेंजिबल एसेट्स दैट वी हैव, मतलब हमारे टेंजिबल एसेट्स के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, लीगल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जो ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी, यानी कि ये टेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी है. इन अ सिमिलर मैनर वी हैव इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑल्सो. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो भी नॉलेज हमारे पास है, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारा क्रिएटिव वर्क, जितनी भी हमने पढ़ाई करी, आइदर इन स्कूल्स, आइदर इन कॉलेज, आइदर बीटेक, एक्स वाई जेड, जो भी हमने कोर्स किया और जो भी नॉलेज हमने अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से गेन करी, उस नॉलेज की वजह से जो भी हमने जनरेट किया, दैट इज आवर इनटेंजिबल एसेट, दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो इस प्रॉपर्टी को, इस इंटेंजिबल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो राइट्स देती है उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब ये राइट्स भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू सब कैटेगरीज, जैसे आपका घर के लिए रजिस्ट्री होती है, व्हीकल के लिए आरसी, और भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबके लिए अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है, दैट मीन्स लीगल सर्टिफिकेट्स आते हैं. इन अ सिमिलर मैनर अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई टेक्नोलॉजी का आइडिया है, तो उसके लिए आपके पास अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. आपने कोई क्रिएटिव वर्क किया है, लेट से फोटोग्राफी करी है, आपने कोई सिनेमेटोग्राफी वर्क किया है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई नोवेल लिखी है, सो फॉर दैट वी हैव सेपरेट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, दैट मीन्स सेपरेट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो बेसिकली कमिंग बैक टू द स्लाइड, इट्स ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब जितनी भी नॉलेज हमारे पास है या हमने गेन करी, उस नॉलेज से अगर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, वट एवर वी आर डेवलपिंग और जनरेटिंग, दैट इज आवर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ इट इज बेसिकली ए नॉलेजेबल एसेट, हमारा एसेट है. अगर हमारी नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बाइक है तो हमारे पास रहती है, हमारी परमिशन के बिना उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता. हमारा घर है, हमारे पास रहता है, उसको कोई भी नहीं यूज कर सकता. इन ए सिमिलर मैनर अगर मेरा आइडिया है, मैंने कुछ बनाया, सो दैट शुड बी विद मी ओनली ना. सो वो मोनोपली राइट्स, वो एक्सक्लूसिव राइट्स मुझे कहाँ से मिलते हैं? अगर मैंने वो एप्लीकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अप्लाई किया है, देन आई हैव द मोनोपली कि ये चीज़ मेरी है, ये आइडिया मेरा है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेरी है, या ये एक्स वाई जेड चीज़ मेरी है, और वो मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं यूज़ कर सकता, राइट? देन इट्स ए की कॉम्पोनेंट फॉर सक्सेस इन एवरी बिजनेस, वेरी ट्रू फैक्ट. सो इन जनरल इफ़ यू सी एवरी स्टार्टअप कमिंग नाउ इट इज आइदर इट इज़ हैविंग ए न्यू बिजनेस मैथड, इट इज़ हैविंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, और सम काइंड ऑफ न्यू प्रॉब्लम इट इज़ सॉल्विंग, राइट? तो जब भी कोई स्टार्टअप नया बनता है तो सबसे पहले उसका क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? नेम, मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, चाहे वो ग्रोफर्स है, स्विगी है, पेटीएम है, पेपाल है, ऊबर, ओला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका क्या है? नाम. एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, एप्पल की जितनी वैल्यूएशन है, दैट इज़ $1 trillion, उसमें 70% वर्थ अगर हम उसके एसेट्स की निकालें, दैट इज़ दैट सिंगल लोगो, जो एप्पल का आधा अधूरा लोगो है ना. सो अगर एचपी बोलता है कि मुझे सिर्फ एप्पल का लोगो चाहिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, एप्पल की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सो एचपी हैज़ टू पे 70% ऑफ दैट $1 trillion टू गेट दैट ओनली सिंपल लोगो. सो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन सबसे पहले, हर स्टार्टअप के लिए सबसे पहले नाम प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है. देन क्या डेवलप कर रहा है, अगर वो टेक्नोलॉजी में है तो उसके लिए पैटेंट चाहिए. सो बेसिकली हर स्टार्टअप की एक सक्सेस स्टोरी में
जो प्रोटेक्शन बाउंड्री है, आपने शार्क टैंक देखा होगा सबने, जो शार्क टैंक में जितने भी शार्क्स थे वो सब पूछते थे कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपका पैटेंट फाइल्ड है या नहीं आपकी टेक्नोलॉजी के लिए. सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट्स ए प्रोटेक्शन बाउंड्री कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो सेम चीज़ कोई बड़ी कंपनी ना कर पाए. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट्स ए प्रोटेक्शन बाउंड्री अराउंड योर बिजनेस, चाहे वो बिजनेस आपका एक स्मॉल शॉप है, चाहे वो बिजनेस आपका एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का सपना है, कुछ भी है, तभी इन्वेस्टर के पास भी आप कभी जाओगे पिच करने के लिए. सो इन्वेस्टर विल आस्क व्हाट इज द एंट्री बैरियर. आप जो चीज़ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो चीज़ बना रहे हो बड़ी कंपनी वो दो मिनट में बना सकती है बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द मनी, राइट. सो आप उनको कैसे स्टॉप करोगे? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द ओनली की सॉल्यूशन टू क्रिएट अ एंट्री बैरियर फॉर द बिग प्लेयर्स कि वो आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम ना बना सकें बिना आपकी परमिशन के. देन इट्स अ टूल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो. सो बेसिकली अगर किसी एक ने किसी टेक्नोलॉजी को या किसी आइडिया को प्रोटेक्ट कर लिया तो सामने वाला कॉम्पिटिटर उसको यूज़ नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल ने कोई टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट की है सो डेफिनेटली HP, सैमसंग और जितने भी MI कंपनीज हैं ये नहीं यूज़ कर सकते इन टेक्नोलॉजीज़ को, राइट. तो उनको या तो इससे एडवांस बनाना होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है या फिर इनसे लाइसेंस करना होगा. सो इन अ वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो कि ये टेक्नोलॉजी अगर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल पहले सिंगल कैमरा मोबाइल फोन्स थे, फिर ड्यूअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, फोर कैमरा. So it's a continuous evolving market. Then intellectual property protection क्या basic reason क्या है? The basic reason is to respect the work. आप लोग researchers हो, आप लोग inventor हो, at the end of the day human beings ही तो हैं जो सब create करते हैं. So basically it is to respect the work that we are creating, it is to respect the knowledge that we have, to respect the talent and to respect the creation, right? Then today we are going to deal with strategic value of IP, how it applies to your research work. अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप रिसर्च अपने रिसर्च वेट लैब्स में ही करें, यू कैन डू द रिसर्च वाइल सिटिंग एट योर होम्स ऑल्सो ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मोबाइल फोन्स. आपका कोई भी इन्वेंशन है, कोई इनोवेशन है या कोई भी आपने आर्ट वर्क क्रिएट किया है, सो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट दोज थिंग्स एंड वट इज द राइट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू शुड अप्लाई एंड वेयर यू शुड अप्लाई. टूडे वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दोज टॉपिक्स. So this is a brief glimpse about intellectual property rights. These are the five basic type of intellectual property rights that we are going to study today. There are few more, we will not go in detail. I will give you brief about them on this slide, then on the further slides we will talk about each one of them in detail. So first is patent. What is a patent? Patent is just a legal certificate that provide protection to your technology. Technology either in the form of a product or a process. Product means this is a wireless mic, right? आइदर आपने वायरलेस माउस एज ए होल एज ए प्रोडक्ट बनाया है या फिर आपने इस माउस माइक को बनाने का प्रोसेस डेवलप किया है कि इस माइक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है. सो आइदर ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस, अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बना रहे हो थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी या उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, देन इट विल बी गेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पैटेंट राइट्स. क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा. जैसे आपको RC मिलती है आपकी बाइक के लिए, वैसे ही जब आपका पैटेंट ग्रांट हो जाएगा आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ये बोलेगा that you have the exclusive and exclusive rights over your technology for a period of 20 years. Then second we have is trademark. Trademark is basically a business identifier jisse aapke customers aapko market mein pehchan saken, that gives you a unique identity in the market. ye bhi kya hai, ye bhi ek legal certificate hai, but ye protection kisko deta hai? It gives protection to the name, logo, symbol, sound, color. For example we have a logo of Vips, right? तो अगर आप वो लोगों कहीं पर भी देखोगे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ये विप्स का प्रोडक्ट है या विप्स की बुक है या ये विप्स की फैकल्टी है अगर उन्होंने आई कार्ड पहना है तो. इन अ सिमिलर मैनर बिग येलो एम, अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं इफ वी सी की बिग येलो एम का एक बोर्ड लगा है सो व्हाट डज इट मीन? मैकडी. सो वी ऑब्वियसली गेट टू नो दैट देयर इज अ मैकडी रेस्टोरेंट डाउन द हाईवे, राइट. सो दोज थिंग्स दैट गिव रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं टिक मार्क मेरे शू पे लगा है सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Nike, obviously, because these companies have spent so much, now their names and their logo, their symbol have created a unique identity in the market. So ये सब चीज़ें जो आपकी identity होती हैं उनकी protection के लिए we always apply for trademark. Trademark can be a word also, कि सिर्फ एक नाम है, for example Grofers या Swiggy. It can be a logo also, एक unique representation, artistic representation होती है इसको हम logo बोलते हैं. It can be sound also, for example if I have Apple phone,
अगर आपको नहीं पता ये एप्पल का फोन है, बट अगर इसकी रिंगटोन अभी यहाँ बज जाए, ये प्ले हो जाए, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट ये एप्पल की रिंगटोन है. सो साउंड कैन ऑल्सो बी अ ट्रेडमार्क. देन शेप ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कोका कोला बॉटल इन माई हैंड. इफ आई रिमूव द ब्रांडिंग ऑफ कोका कोला फ्रॉम द बॉटल, यू कैन स्टिल रिकॉग्नाइज इट बिलोंग्स टू कोका कोला. सिमिलरली, इफ आई हैव ए बिस्लेरी बॉटल इन माई हैंड, आई रिमूव द ग्रीन कलर रैपर फ्रॉम बिस्लेरी बॉटल, यू कैन स्टिल रिकॉग्नाइज इट बिलोंग्स टू बिस्लेरी. बिकॉज वो जो कंपनी का पूरा शेप रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डेवलप किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय स्पेंडिंग सो मच ऑन द मार्केटिंग ब्रांडिंग, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द शेप ऑल्सो विद द कंपनी, कि ये शेप तो सिर्फ बिस्लेरी ही बना सकती है. देन थर्ड वी हैव इज कॉपीराइट. सो कॉपीराइट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन ए पर्टिकुलर फॉर्म. आप किस चीज में अपने आइडियाज को रख रहे हो, वो फॉर्म प्रोटेक्ट होती है. या तो आप कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च पेपर लिखते हो, आप बुक्स लिखते हो, आपने पोयम लिखी, एक्स वाई जेड कोई भी आपने राइटिंग करी, सो दैट इज ए लिटरेरी वर्क. सो दैट लिटरेरी वर्क विल गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. या आपने कोई गाना गाया, कोई म्यूजिक डेवलप किया, आपने कोई सिनेमेटोग्राफी वर्क किया, आपने कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग बनाई, आपने कोई फोटोग्राफी करी, और फोटोग्राफी भी एक आर्ट है, राइट? सो दैट ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. देन आपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग करी, सो इंडिया में सॉफ्टवेयर कोड्स ऑल्सो गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट लॉ. जितना भी आपका सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, ऑल विल गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट ओनली. देन मूविंग ऑन टू, इट इज ऑल्सो ए लीगल सर्टिफिकेट दैट विल से कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड वंस इट इज प्रोटेक्टेड यू विल हैव अ प्रोटेक्शन फॉर अ सर्टन पीरियड. देन फोर्थ वी हैव इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. वट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन? सो industrial design is also a legal certificate that will give protection to the aesthetic appearance of any product. ki koi bhi product bahar se dikhta kaisa hai. this is my mobile phone, so how it appears from outside, iska complete shape, configuration, iska surface pattern, all these things will get protection under industrial design. ye mera blazer hai, this is my shirt, so meri shirt ka pattern, meri smart watch, mera pen ki shape, configuration, laptop, even ye podium, aap jis chair pe baithe ho, you won't believe, जो आपकी shoes की inner sole होती है, that is also design protected, because जो वो sole की shape है ना, that is a unique thing, और वो design protect होता है. so basically आपके जितने भी products आप बना रहे हो, apart from the working, कि मतलब technology की working नहीं है, आपने सिर्फ उसके aesthetics पे काम किया है, उसको बाहर से सुंदर बनाया है, बाहर से अच्छा किया है, shape में changes करे हैं, so that will get protection under industrial design. at the end of the day, it is a legal certificate that will say give you protection. then fifth we have is semiconductor and layout design of ICs. any electronics department from here? anyone from electronics? so I think we can skip this topic, but I'll just give you a brief about it. so integrated circuit ke bare mein aapne suna hoga. so every IC is developed to solve a particular task. jitni bhi ICs hamare aeroplane mein, mobile phones mein, kahan bhi use hoti hain, so har IC ka ek particular task hota hai. कि ये आईसी सिर्फ यही काम करेगी. सो आईसी का जितना भी 3D लेआउट उस पर इम्प्रिंट किया जाता है, वो लेआउट की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर लॉ है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर एंड लेआउट डिजाइन लॉ 2000. मतलब 2000 में ये इनकॉर्पोरेट हुआ था. इट इज़ ए काइंड ऑफ ए पैटर्न प्रोटेक्शन, बट इंडिया में इतना फेमस नहीं है, बिकॉज इंडिया में अभी आईसी का प्रोडक्शन रिसर्च बहुत नीच लेवल पे है. देन देर आर फ्यू मोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ जिस्ट अबाउट देम. वन इज ट्रेड सीक्रेट. सो एज द नेम सजेस्ट, कुछ तो सीक्रेट है, राइट? बिकॉज जितने भी हमने ये फाइव टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखे, दे विल गेट पब्लिश आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. कोई चीज 5 साल बाद पब्लिश होती है, कोई 1 साल बाद, कोई 10 साल बाद, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट इन टू द पब्लिक डोमेन. की पब्लिक डोमेन में तो आ ही जाएंगे, बट देर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स, सर्टेन आइडियाज, सर्टेन बिजनेस मेथड, सर्टेन टेक्नोलॉजीज, सर्टेन रेसिपीज विच यू नेवर वॉन्ट टू बिकम पब्लिक. मतलब जिसकी लाइफ 50 साल, 100 साल या हजारों साल भी हो सकती है. आई हैव ए लाइव एग्जाम्पल फॉर इट. कोका कोला की रेसिपी, नो वन नोज वट इज द एक्चुअल रेसिपी ऑफ कोका कोला, बिकॉज दैट हैज बीन कैप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट. तभी उनके जो दो फाउंडर हैं कोका कोला कंपनी के, वो कभी भी एक साथ एक प्लेन में ट्रेवल नहीं करते. सो देयर ट्रेड सीक्रेट इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एट ए सेफ वॉल्ट इन सम कंट्री, और उसकी एक्चुअल रेसिपी सिर्फ उन दो फाउंडर्स को पता है, बिकॉज दे हैव कैप्ट इट एज ए ट्रेड सीक्रेट. That's why Coca-Cola company is running successfully from last more than 100 plus years. Then another example, KFC किस किस ने खाया है? KFC chicken burgers? Raise your hand, शर्माने की जरूरत नहीं है यार, मैंने तो खाया है.
सो केएफसी के जो चिकन बर्गर्स होते हैं उसमें जो स्पाइसेस यूज होते हैं वो स्पाइसेस 11 टाइप ऑफ हर्ब का कॉम्बिनेशन है. सो दो स्पाइसेस एंड देयर कॉम्बिनेशन हैव बीन केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट बाय केएफसी कंपनी. देन आपका जितना भी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शनल मेथड्स जो आपके चेन के ऊपर होते हैं यानी जो ब्लॉक्स पे डिस्क्लोज हैं वो तो पब्लिक हैं, बट स्टिल उन चेन को बनाने के लिए जितनी कंप्यूटिंग लगती है वो कंप्यूटिंग के सारे मेथड्स एज ऑन डेट जहां भी बन रहे हैं दे हैव बीन केप्ट एज ए सीक्रेट. नो वन नोज कि एक्चुअली वो कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, किस एरिया में डेवलप हो रहे हैं. या फिर आपकी जो शेयर मार्केट इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग का जितने मेथड्स होते हैं, सो देर आर सम यूनिक ट्रेडिंग मेथड्स दैट हैव ऑल्सो बीन केप्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट बाय द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया. सो दिस इज अबाउट ट्रेड सीक्रेट. हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट बाय साइनिंग लीगल एग्रीमेंट्स. बेसिकली इसके लिए हमें कहीं गवर्नमेंट पे सबमिट नहीं करना है कुछ भी. वी हैव टू म्यूचुअली कीप इट एज ए सीक्रेट बिटवीन बोथ द पार्टीज हु आर ट्रांजैक्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर बिजनेस. देन नेक्स्ट वी हैव इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. सो एज द नेम सजेस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली डिनोट्स अ इंडिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी. दैट मीन्स फॉर ऑल दोज प्रोडक्ट्स हु हैव सम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड दे आर नोन फॉर ए पर्टिकुलर ज्योग्राफी. मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, उसको हम सिर्फ टी क्यों नहीं बोलते और दार्जिलिंग टी क्यों बोलते हैं, बिकॉज उस टी में जो स्वाद है, उस टी की जो क्वालिटी है वो तभी होगी जब वो दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है. आगरा का पेठा, बनारसी सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, राइट, बेंगलुरु का रसगुल्ला, इनके इन प्रोडक्ट्स के साथ हम वो स्टेट या सिटी के नाम क्यों जोड़ते हैं, बिकॉज दे कैन ओनली गिव द सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इफ दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, सिटी और एरिया. सो दोज थिंग्स अगर वो एक्चुअल में हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आईपी राइट्स है, वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं. ये किसी सिंगल पर्सन को नहीं मिलता, बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दार्जिलिंग में हो, आप टी इंडस्ट्री में हो, सो इट इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन. जो भी इंडस्ट्री है या जो भी एसोसिएट्स हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उस चीज को बनाने में लगे हुए हैं, उस पूरी एसोसिएशन को ये प्रोटेक्शन मिलती है. और आप जब भी ये प्रोडक्ट्स खरीदोगे उस प्रोडक्ट पे लिखा होगा दिस इज आईपी प्रोटेक्टेड जीआई टैग. इसके बहुत सारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं. आपका बिहार में अभी रिसेंटली मखाना, सबको पता होगा व्हाट इज मखाना, राइट. सो बिहार में एक जगह है मिथिला. सो मिथिला का मखाना हैज बीन रिसेंटली गिवन ए जीआई टैग, सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. सो वो जब टैग मिल जाता है दैट मीन्स इट हैज क्रॉस अ सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और वो उस पर्टिकुलर एरिया का ही है, देन ओनली इट कैन शो दैट पर्टिकुलर जीआई टैग. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव इज डोमेन नेम. सो डोमेन नेम इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनली, बिकॉज आपकी जितनी भी ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन है दैट इज गोइंग टू बी डन थ्रू दोज डोमेन नेम्स. फॉर एग्जाम्पल IPLT20.com, Wips.edu.in, राइट. सो Wips की ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, अगर कोई इस डोमेन पे जाएगा तभी तो होगी. सो दीज डोमेन नेम्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बहुत जरूरी होता है हर बिजनेस में प्रोटेक्ट करना. अगर आप अपना कोई नाम सिक्योर कर रहे हो, कोई कंपनी इनको ऑपरेट कर रहे हो, सो ऑलवेज फर्स्ट लुक फॉर ए डोमेन नेम कि वो अवेलेबल है या नहीं. इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ डोमेन्स. सो दिस इज द जस्ट ब्रीफ आई हैव गिवन टू यू ऑल जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस. नाउ वी विल डिस्कस मेन फाइव टॉपिक्स इन डिटेल. फर्स्ट इज पैटेंट्स. सो पैटेंट्स अभी तक हमने बात करी थी क्या होता है. एक लीगल सर्टिफिकेट है जो आपको प्रोटेक्शन देता है. दिस इज द सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट आपको मिलता था अभी तक, बट फ्रॉम 26 अप्रैल थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, पेटेंट ऑफिस ने चेंज किया है. दिस इज अ ओल्ड सर्टिफिकेट. सो ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे आपको लिखा होता है कि ये आपकी इन्वेंशन के लिए आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. नाउ प्रोटेक्शन तो मिलती है, बट किस चीज को प्रोटेक्शन मिलती है. टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी या तो प्रोडक्ट होनी चाहिए या प्रोसेस होनी चाहिए. अब हर टेक्नोलॉजी को पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती. दैट टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज टू फुलफिल सम क्राइटेरियाज. दोज आर कॉल्ड पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज. वो क्या क्राइटेरियाज हैं. फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी शुड बी न्यू एंड यूनिक इन द कंप्लीट वर्ल्ड. आप जो बना रहे हो या तो वो एज ए होल पूरी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका कोई पार्ट, या आपने कोई उसमें फीचर इंप्लीमेंट किया है जो कि नया है, राइट. या तो ये पूरा मोबाइल फोन ही आपने नया डेवलप कर लिया, आइदर आपने इसमें कोई ऐसा सेंसर अटैच किया जो सेंसर आपने डेवलप किया था. सो बेसिकली प्रोटेक्शन सिर्फ उस चीज को मिलेगी जो आपने डेवलप की है. व्हाई? बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज फॉर दोज थिंग्स विच हैव बीन जनरेटेड विद योर नॉलेज. जो एग्जिस्टिंग पब्लिक नॉलेज में है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. आपने जो अपनी नॉलेज से इसमें डाला है या इसमें जो चीज इंप्रूवमेंट करी है, इसमें मॉडिफिकेशन करी है, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. सो बेसिकली नॉवेल्टी मीन्स दैट मीन्स कि जो भी आप बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो दैट शुड नॉट बी देयर इन द पब्लिक डोमेन. कि वो
सेम चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए. इट हैज हैपेंड विद अस कि रिसर्चर्स को पता नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. सो इवन फ्रॉम द IITs ऑल्सो वी हैव सीन प्रोफेसर्स हैव स्पेंड टू ईयर्स इन डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज आइदर सम ड्रग्स सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड फाइनली व्हेन दे कम टू अस टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन दे गेट टू नो कि ये चीज़ तो ऑलरेडी 4 साल पहले किसी और कंट्री में हो चुकी है. सो दैट इज अ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स. दैट इज बेसिकली री इन्वेंटिंग द सेम व्हील. जो चीज़ ऑलरेडी इन्वेंटेड है आपने उसको फिर इन्वेंट कर दिया जस्ट बिकॉज आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी. सो नॉवेल्टी के लिए फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि नया होना चाहिए और आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं होना चाहिए. इवन आप खुद नहीं पब्लिश कर सकते पब्लिक डोमेन में जब तक आपका पेटेंट फाइल नहीं है. सो बेसिकली इफ़ यू आर थिंकिंग टू पब्लिश समथिंग, अगर आपको रिसर्च पब्लिकेशन करना है या साइंटिफिक जर्नल्स में कम्युनिकेट करना है, सो बिफोर कम्युनिकेटिंग ऑलवेज गेट योर पैटेंट फाइल्ड. जिस दिन पैटेंट आपका फाइल हो जाएगा दैट आपको एक रिसिप्ट मिलेगी. उस रिसिप्ट का मतलब ही ये होगा कि यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर. जब आपके पास वो रिसिप्ट आ जाए देन यू कैन कम्युनिकेट योर पेपर्स इन एनी जर्नल रेप्यूटेड जर्नल्स वेर एवर यू वॉन्ट. बट बिफोर फाइलिंग अ पैटेंट यू कैन नॉट कम्युनिकेट एंड यू शुड नॉट. सेकेंड इज यूजफुलनेस. तो जो भी टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो वो टेक्नोलॉजी पर्पसफुल होनी चाहिए, उसका पब्लिक यूज़ होना चाहिए. दैट मीन्स उसको इंडस्ट्री में रेप्लीकेट किया जा सके और उसके यूजर्स पब्लिक बन सके. दैट मीन्स इट कैन बी रेप्लीकेटेड इन इंडस्ट्री. वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होनी चाहिए. अगर आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसको सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो दैट विल नॉट गेट प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल, रिसेंटली अभी US में एक पर्सन ने ऐसा पिलो बनाया जो सिर्फ उसकी नेक में ही फिट हो सकता है. पिलो विद सम न्यू टेक्नोलॉजी. सो वो चीज़ पेटेंटेबल नहीं है. थर्ड इज इन्वेंटिव स्टेप. इन्वेंटिव स्टेप का दूसरा मतलब होता है नॉन ऑब्वियसनेस. दैट मीन्स आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे हो वो आपके फील्ड में जो भी स्किल्ड है उसके लिए ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए. सपोज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. सो मैंने कुछ भी अगर ऐसा बनाया तो वो सामने वाले मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए. एंड हाउ यू कैन प्रूव दैट कि वो ऑब्वियस नहीं है? मेरी नॉलेज से जब नॉवेल्टी आई तो उस नॉवेल्टी के साथ कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी आनी चाहिए. क्योंकि जो भी आप बनाओगे दैट विल नॉट बी आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कभी था ही नहीं पूरी दुनिया में. दैट विल बी वन इन ए मिलियन केस. सो रेस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही मॉडिफाई करोगे, इम्प्रोवाइज करोगे, राइट? सो पहले 1G था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया. दैट मीन्स GPRS वॉज देयर. सो उसी की मॉडिफिकेशन हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी 1 थी, 2, 3, 4, नाउ 5 इज देयर. सो इट वॉज देयर बट स्टिल इट वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम. सो लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया. सो इन्वेंटिवनेस उसमें लेके आए, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, यानी उसकी एफिकेसी इंक्रीज करी. अभी जो मैंने वायरलेस माइक पहना है, यही माइक अगर मैं 10 साल पहले पहनता तो इसकी वायरलेस रेंज इतनी नहीं होती जितनी आज इसकी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली टेक्नोलॉजी इज ए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस. इसका सिंपल एग्जाम्पल आप सबके हाथों में है, स्मार्टफोन्स. द काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स वी आर यूजिंग इन 2010 एंड द काइंड ऑफ स्मार्टफोन्स वी आर यूजिंग इन 2023, ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप. ये एक रात में तो आया नहीं है ऑब्वियसली. कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इसमें. व्हाट्सएप सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आई कैस सब लोग यूज़ करते हैं. तो जब व्हाट्सएप फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था इन 2008, सो मल्टीपल पेटेंट एप्लीकेशन वर फाइल्ड टू सिक्योर द कम्प्लीट व्हाट्सएप एन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. बट टू दिस डेट आज भी हमें व्हाट्सएप से कॉन्टिन्यूस अपडेट्स आते हैं. सबको आते होंगे, हर 15 दिन, महीने, 45 डेज में आता है. एंड विद एवरी न्यू अपडेट क्या मैसेज आता है? फ्यू बग्स हैव बीन रिमूव्ड या ये नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं. मतलब उसमें लिखा होता है ना व्हाट्स न्यू इन द अपडेट. तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं, कुछ फीचर्स नए लेकर आते हैं. सो विद एवरी न्यू अपडेट व्हाट्सएप इज फाइलिंग ए सेपरेट पेरेंट एप्लीकेशन. Not to secure the complete application is already secured, but to secure those features that have been recently launched. So basically, problem hamesha hoti hai existing products mein. You just need a mindset, you just need a attitude to identify those problems. Problems is laptop mein bhi hai, iske mein bhi improvement ka scope hai, projector mein bhi hai, screen mein bhi hai. So it's a continuous evolving process, right? Similarly, अभी स्मार्टफोन में ड्यूअल कैमरा है, कुछ लोगों के पास ट्रिपल कैमरा भी होगा. बट 2010 में देयर अर्लियर यूज्ड टू बी अ सिंगल कैमरा कॉन्सेप्ट. स्मार्टफोन भी था, कैमरा भी था, बट स्टिल 2012 में एक इन्वेंटर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि सिंगल कैमरा एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है. क्या प्रॉब्लम?
हाई डेफिनेशन इमेज पिक्चर्स नहीं आ रही हैं, पिक्चर तो आ रही हैं बट हाई डेफिनेशन नहीं आ रही हैं। सो विद द एडिशन ऑफ सेकंड कैमरा फोकस के साथ हाई डेफिनेशन इमेजेस आने लगी। देन सब स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने उसको अडॉप्ट किया एंड विद एवरी न्यू स्मार्टफोन बीइंग सोल्ड, मतलब जब भी हम लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते थे दैट इन्वेंटर वॉज गेटिंग पेड वाइल सिटिंग एट हिज होम, मतलब घर में बैठे हुए उसके पैसे उसके अकाउंट में आ रहे थे जब भी एक स्मार्टफोन बिक रहा था बिकॉज सब लोग उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। इन अ सिमिलर मैनर देन इन 2016 अनदर पर्सन आइडेंटिफाइड अनदर प्रॉब्लम कि ड्यूअल कैमरा भी सफिशियंट नहीं है टू ग्रैब वाइड एंगल इमेजेस, कि वाइड एंगल में इमेजेस फोकस के साथ हमें ग्रैब करनी है तो देयर शुड बी ट्रिपल कैमरा। सो ही अगेन इम्प्रोवाइज द कैमरा कॉन्सेप्ट, न्यू टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं लाया, ड्रास्टिक चेंज नहीं था बट स्टिल देयर वाज अ माइनर चेंज कि ट्रिपल तीनों कैमराज का सिंक्रोनाइजेशन स्मार्टफोन में उसने फिट कर दिया थ्रू द जो भी उसने करा। सो अगेन सब कंपनीज ने अडॉप्ट किया, अभी तो 4 कैमराज 5 कैमराज भी आ रहे हैं राइट। तो माई वे ऑफ गिविंग यू दीज एग्जाम्पल, इंटेंट टू गिव यू दीज एग्जाम्पल इज देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप जिन चेयर्स पे बैठे हो उन चेयर्स में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको बस माइंडसेट चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक स्टूडेंट है पंजाब एरिया में, सो वो कॉलेज खत्म होता था, कॉलेज के बाद स्पोर्ट्स जाता था, स्पोर्ट्स के बाद देन ट्यूशंस, ट्यूशंस के बाद घर। सो ही वॉज नॉट हैविंग टाइम फॉर हिज लंच, मतलब लंच करने का उसको टाइम नहीं होता था, उसके पास वो 15 मिनट होते थे कि सिर्फ उस 15 मिनट में ही वो खाना खा सकता था। तो बट बस में जब वेन एवर ही यूज टू ट्रेवल थ्रू बस, तो बस में उसको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। सो ही डेवलप्ड ए जैकेट विच कैन बी यूज एज ए फोल्डेबल टेबल टू, ताकि वो लंच कर सके। सो दैट मीन्स उसने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी अपने ऊपर ही कि वो प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ और अपने लिए ही एक सॉल्यूशन डेवलप किया। अनदर एग्जाम्पल, आई हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स विच आई विल शो यू इन द कमिंग स्लाइड्स। सो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट जो पैटेंट था वो 1421 में दिया गया था फॉर एन इन्वेंटर फिलिपो ब्रुनलुशी, एंड जो टेक्नोलॉजी थी वो एक रिवर में गुड्स अप एंड डाउन द रिवर, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी थी। वेरी बेसिक एग्जाम्पल, दिस इज अ डोर लॉक हमारे घर में, जिसको हम चिटकनी बोलते हैं, सब लोग हिंदी में हम बोलते हैं। सो स्कूल्स में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है। तो चिटकनी में एक प्रॉब्लम होती है बेसिक, क्या कि वो कुछ टाइम के बाद लूज़ हो जाती है। लूज़ होने के बाद दो प्रॉब्लम, एक तो वो खुल जाती है बार बार, और खुलने से प्रोटेक्शन नहीं रहती, मतलब कोई भी बाहर से पुश करेगा खुल जाएगा इजिली। सो व्हाट दिस इन्वेंटर डिड, ही इंस्टॉल्ड अ प्लेट, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशन। प्लेट से दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहला उस लॉक की लाइफ बढ़ गई, सेकेंड सिक्योरिटी बढ़ गई। सिंपल आइडिया, सिंपल प्रॉब्लम सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट एन एग्जांपल। नाउ अब सिंगल लॉक में भी क्या क्या चीज़ पेटेंट हो सकती है, आइदर कंप्लीट डोर लॉक एज ए होल, या तो पूरा लॉक आपने बनाया है, या फिर आपने उसमें जो लुब्रिकेंट यूज हुआ है उस लुब्रिकेंट की कॉम्पोजिशन आपने डेवलप की है, और आपने लॉक नहीं बनाया, आपने ऐसी मशीन बनाई है जो वो लॉक्स बना सकती है। आई एम गिविंग यू जस्ट वेज टू थिंक अराउंड योर सेल्फ कि एक प्रोडक्ट में कितनी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। हमारे स्मार्टफोन में कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, कैन एनीबॉडी गैस एनी रफ नंबर, मतलब एक स्मार्टफोन कितने पैटर्न से प्रोटेक्ट होता है, रफ गैस तो हम सब लोग दे सकते हैं। सॉरी 50+, एनीबॉडी एल्स 21, फार बिहाइंड, एनीबॉडी एल्स 1000 क्लोज, एनीबॉडी एल्स सो क्लोज टू 2500 पैटेंट एप्लीकेशंस आर प्रोटेक्टिंग दिस स्मार्टफोन। 2500 पैटेंट्स, आप सोच सकते हो कि इसमें 2500 टेक्नोलॉजीज हैं, इसके सिर्फ एक फिंगरप्रिंट सेंसर में अलोन 30 टेक्नोलॉजीज हैं। कैसे, किस मटेरियल का वो सेंसर बना है, किस शेप का वो सेंसर है, कितने टाइम में वो हमारे फिंगर के प्रेशर को सेंस करके इंस्ट्रक्शंस पास करेगा, देन एक्स वाई जेड, सो मैनी टेक्नोलॉजीज इन सिंगल प्रोडक्ट। सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको किस पे काम करना है राइट। सो प्रॉब्लम का स्कोप हमेशा रहता है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड दैट 90% ऑफ द पैटेंट्स आर इम्प्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग पैटेंटेड इन्वेंशंस। दैट मीन्स कि जो चीज़ ऑलरेडी पैटेंट प्रोटेक्टेड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, तभी आप टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन देख रहे हो, तभी आप इम्प्रोवाइजेशंस देख रहे हो। सिंपल एग्जाम्पल, जस्ट ए फन एक्सरसाइज, सबको पता है क्या है ये, व्हाट इज दिस,
mousetrap. Let's ask from the students. So both are patented products. Can you identify three basic differences? Time up now. So first difference is metallic strip has been replaced with plastic that smells like cheese. Second, size of the spring has been increased. Third, hook has been provided at the end of the arm. Three simple problems were solved and another product also got patent filed for it. So this is just an example to show you how small a problem can be and how small a solution can be. You just need to identify the problems around yourself. Problem can be in this room, problem aapke ghar mein ho sakti hai, aap travel karte ho, aap kahin bhi jaate ho. Problem can be anywhere, you just need the mindset to solve those problems with the help of technologies. Now a patent is granted for a period of 20 years, that means 20 saal ke liye uski protection, uski monopoly, uski exclusivity aapke paas rahegi. 20 saal ke baad wo public ho jayega, koi bhi usko use kar sakta hai. Is it true? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ. सो कोई भी टेक्नोलॉजी की शेल्फ लाइफ एज ऑन डेट 10 से 15 साल नहीं होती है, बट स्टिल 20 इयर्स हैज बीन गिवन, दैट इज मोर देन इनफ किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी कि बेसिकली उससे रेवेन्यूज अर्न करने के लिए. देन दीज आर द सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट वंस दे वर इन्वेंटेड पैटेंट एप्लीकेशंस वर फाइल्ड फॉर देम. आई होप यू कैन सी व्हाट आर दीज सिंपल नीडल्स, पेपर क्लिप, बोर्ड पिन, एंड यू वॉन्ट इमेजिन कि आज तक इन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है. सो द लास्ट इम्प्रूवमेंट आई हैव हर्ड इज ऑफ ए बोर्ड पिन. बोर्ड पिन इतनी एडवांस हो गई है, आप बोर्ड पिन को ग्रैब करोगे ना, इट विल टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड बाय योर थंब, इंडेक्स फिंगर, प्राइमरी फिंगर टू पंच द पिन इन टू द बोर्ड. सो इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो गई हैं. वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी के एंड यूजर हम हैं. हमारी लाइफ ईजी होगी अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज होगी, राइट? सो अगर सब लोग कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, सो वाई शुड नॉट वी इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन दीज एक्टिविटीज. इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, आई विल टेल यू इन द फर्दर स्लाइड्स. यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑफ इंडिया, ये पुरानी स्लाइड है. नाउ देयर इज अ गर्ल हु इज 7 इयर्स ऑफ एज हु इज यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑफ इंडिया. ही वाज ऑफ 9 इयर्स ऑफ एज व्हेन ही इन्वेंटेड दिस मल्टीपल प्लेयर चेस बोर्ड. इसको क्या सब पड़ी है पेटेंट फाइल करने की? ही वॉज हैविंग ए प्रॉब्लम कि हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के चेस क्यों नहीं खेल सकते. सो ही इन्वेंटेड दिस so that multiple players can play chess at the same time, and he has got a patent protection for it. Plus he is a crippled boy, plus he doesn't belong to any technology. सबसे बड़ा myth जो आज के time पे market में है कि मैं तो IT में हूँ तो मैं सिर्फ IT का ही patent file करूँगा, मैं तो BBA में हूँ, मैं patent कैसे file कर सकता हूँ, मुझे तो technology पता ही नहीं है. No, you don't need to have a technological background to file a technology patent. जितनी भी बड़ी कंपनीज के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, दे ऑल आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स, दे स्टिल हैव मल्टीपल पैटेंट एप्लीकेशंस ऑन देयर ओन. हाउ? अगर आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव सो मेनी एजुकेटेड फैकल्टीज, सो मेनी मेंटर्स आर देयर, सो मेनी इंडस्ट्री हेल्प इज देयर. सो अगर आपके पास कोई आइडिया है एंड इफ यू डोंट नो द टेक्नोलॉजी, यू कैन रीच आउट टू योर कलीग्स. कोई आपको मना नहीं करेगा कभी भी, विप्स में तो नहीं करेगा, आई गारंटी. सो द काइंड ऑफ एनवायरमेंट आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, हर कोई फ्रेंडली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है. सो हर कोई हेल्प करेगा. इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्टडीज से ज़्यादा अगर इसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सो योर फैकल्टी और मेंटर विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू सो दैट यू बोथ कैन कोलेबरेटली वर्क. अगर आपके पास आइडिया है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, या उनके पास आइडिया है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, सो यू कैन बोथ कैन कोलेबरेटली वर्क. सिमिलरली जरूरी नहीं है विप्स में, विप्स दूसरे कॉलेजेस के साथ, दूसरे यूनिवर्सिटीज के साथ, कंपनीज के साथ कंबाइंड होकर पैटेंट फाइल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड कंबाइंड रिसर्च. आप रिसर्च पेपर जब पब्लिश करते हो तब भी तो कंबाइंड करते हो ना दूसरे फैकल्टीज के साथ. सो सिमिलरली पैटेंट्स कैन ऑल्सो बी फाइल्ड. अनदर सिंपल एग्जाम्पल, इट्स ए मल्टीपर्पज वाटर प्रूफ बैग डिवाइस. सो ये भी एक एक्चुअल प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन है. सो साउथ इंडिया में एक बच्चे को प्रॉब्लम होती थी कि उसका बैग बहुत हैवी था और मॉनसून सीजन में उसको अम्ब्रेला भी कैरी करना पड़ता था. सो ही थॉट व्हाई नॉट टू इंटीग्रेट द अम्ब्रेला इनटू द बैग इटसेल्फ. सो ही इन्वेंटेड अ बैग और उसमें अम्ब्रेला का मैकेनिज्म इंटीग्रेट ऐसे किया दैट व्हेनेवर देयर विल बी अ रेन ड्रॉपलेट, इट विल ऑटोमेटिकली डिटैच आउट द अम्ब्रेला. प्लस सेकेंड प्रॉब्लम ही सॉल्व कि बैग का वेट और ना बढ़ जाए उस अम्ब्रेला से. सो ही हैज यूज दैट काइंड ऑफ मटेरियल कि सिर्फ
जो बैग का वेट अगर x था तो अब करंट इस मैकेनिज्म के साथ x प्लस 50 ग्राम्स. कैन यू इमेजिन 50 ग्राम्स कुछ नहीं होता. सो दैट काइंड ऑफ लाइट मटेरियल ही हैज यूज्ड इन द अम्ब्रेला. देन दिस इज अनदर एग्जांपल. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज बेसिकली अ फिल्टर डेवलप्ड बाय अ फैकल्टी मेंबर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. कोविड में वो अपने विलेज में स्टक हो गए थे तो वहाँ पे साफ पानी नहीं था. सो ही डेवलप्ड दिस फिल्टर सो दैट ये किसी भी पाइपलाइन में इंस्टॉल कर दो तो आपको एटलीस्ट सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 30 मिनट्स में मिलना शुरू हो जाएगा. सो जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ ज़रूरत है, वहीं सॉल्यूशन है. अनदर वेरी बेसिक एग्जांपल्स. प्रॉब्लम सब ने फेस की है, सॉल्यूशन कभी नहीं किसी ने बनाया. नॉन रोटेटिंग कार्ड होल्डिंग अपैरेटस. आई कार्ड्स पहनते हैं, सर ने पहना है, मैम ने पहना है, मैंने भी पहना है. प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम फास्ट रन करते हैं या मूव करते हैं तो कार्ड का जो फेस है वो रोटेट हो जाता है. सबने फेस किया होगा, आई एग्री, हो जाता है सर. सो ये प्रॉब्लम है. सो इसका सॉल्यूशन लेकिन हमने कभी नहीं सोचा. व्हाई? हमारा ध्यान नहीं गया कभी. सो दिस स्टूडेंट हैज डन इट, ही हैज डेवलप्ड ए नॉन रोटेटिंग कार्ड होल्डिंग अपैरेटस कि जब भी ये रोटेट होगा इट विल ऑटोमेटिकली रिगेन बैक इट्स पोजीशन. सो टू मैकेनिज्म्स आर देयर. वन, देयर इज अ सेंसर एट द बैक ऑफ द फ्रेम दैट इज सेंसिंग योर ऑर्गन्स. सेकेंड, जो उसका लैनियर्ड का जो मटेरियल है दैट इज ऑफ सच थिंग कि वो जब भी पोजीशन चेंज करता है उसमें स्ट्रेन जनरेट होता है, इट विल ऑटोमेटिकली रिगेन बैक इट्स पोजीशन. सो सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन. अनदर एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. इन वन ईयर ही हैज फाइल्ड मोर देन 12 पैटेंट एप्लीकेशन. नेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. सो बीबीए का है, फर्स्ट ईयर का. जब इसने स्टार्ट किया था, अपना पहला पैटेंट फाइल किया था, दैट वॉज ऑफ सम इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस फॉर फीमेल. कि अगर कोई लड़का छेड़ रहा है या कोई बदमाशी कर रहा है तो एक स्मॉल डिवाइस था जस्ट लाइक पेपर स्प्रे, वो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो और यू कैन गिव 1000 volt शॉक टू दैट पर्सन. सो दैट डिवाइस ही इन्वेंटेड. फिर उसको मजा आने लगा. फिर ये रात को 2-3 बजे मुझे फ़ोन करता था, सर मेरा नया आइडिया आया, प्लीज़ सुन लो. सो दैट मीन्स इट इज़ दैट इंटरेस्टिंग. वंस यू फाइल अ पैटेंट, वंस यू प्रोटेक्ट योर आइडिया, वंस यू प्रोटेक्ट योर टेक्नोलॉजी, यू विल ऑल्सो फील दैट अर्ज टू फाइल मोर. So he has filed multiple patent applications. Now he is a big guy. So let's not talk about him in detail. So moving on to the next. Till now this is the process. मैंने अभी patent के बारे में बताया आपको. Now I will tell you benefits of patent filing. Two direct benefits. First, monetary benefit. कि अगर आपकी technology future में license होती है, कोई company उसको purchase करती है या कहीं पर भी आप खुद startup करते हो, so definitely you are going to earn through it. As I have given you multiple examples. सब बाद में कर लेंगे, बस ये एग्जाम फिनिश करता हूँ. ठीक है, नो वरीज. सो वी विल बी रैपिंग अप द सेशन इन 5 मिनट्स, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, नाउ वी आर अंडर द बेनिफिट्स ऑफ पैटेंट्स. सो पैटेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट, मॉनिटरी बेनिफिट. लाइव एग्जाम्पल, फेसबुक कंपनी वॉज कब फाउंड हुई थी? 2004. देर वर वन फैकल्टी मेंबर एंड वन स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हु फाइल्ड अ पैटेंट एप्लीकेशन इन 97. दैट एप्लीकेशन वॉज रिलेटेड टू नेटवर्क्स. सो जब फेसबुक आया 2004 में तो उस यूनिवर्सिटी को पता चला कि फेसबुक उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है. कब पता चला? 2015 में. तो 2015 में उन्होंने फेसबुक पे कंप्लेंट फाइल करी कि आप हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो. ये नहीं पता वो नॉइंगली यूज़ कर रहे थे अननॉइंगली. तो 2015 में उन्होंने केस फाइल किया और 2017 में वो पेटेंट एक्सपायर हो गया. पेटेंट की लाइफ 20 साल होती है, 97 से 2017 पेटेंट एक्सपायर्ड. उस केस का वर्डिक्ट आया 2019 में. इट वॉज प्रूव्ड इन कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट फेसबुक वॉज यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी. एंड उसके जब डैमेजेस एक्चुअली इवेल्यूएट किए गए तो दैट डैमेजेस जो फेसबुक को पे करने पड़े उस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक फैकल्टी मेंबर और एक स्टूडेंट को, दैट वाज $509 million. कैन यू इमेजिन? उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उनको इतना पैसा मिलेगा. लाइव एग्जांपल. अनदर एग्जांपल ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने. फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ऐसा सेंसर बनाया जो किसी भी स्कूटी में इंस्टॉल हो जाता है. मजे मजे में फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में सेंसर बना के पैटेंट फाइल कर दिया. तीन कंपनी, सुजुकी, होंडा और अभी रिसेंटली ओला भी बात चल रही है, दे ऑल हैव टेकन देयर टेक्नोलॉजी एट अ रफली कॉस्ट ऑफ 7.5 lakh rupees. तो मजे मजे में बनाया था फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट, 7.5 lakh में टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली कमर्शलाइज्ड. सो दिस इज द लाइव एग्जांपल.
फर्स्ट मॉनिटरी बेनिफिट, आपको ये नहीं पता आपकी टेक्नोलॉजी कब सेल हो जाए, ज़रूरी भी नहीं है कि सारी सेल होंगी, हो सकता है एक भी ना हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी टेक्नोलॉजी सेल भी होगी, बट ट्रस्ट मी अगर एक भी अच्छे से हो गई दैट्स मोर देन इनफ। सो आप सोचो ना ये सब टेक्नोलॉजी जो आपके स्मार्टफोन में है किसी ना किसी ने बनाई है ना, ये आप जो बोलते हो कि मुझे एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन चाहिए 15 या 14 प्रो मैक्स चाहिए, तो उस प्रो मैक्स के लिए भी कितनी टेक्नोलॉजीज बनी होंगी। जो एप्पल का नया VR हेडसेट आया है, यस मैम, मैम बट वो आप नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट आई सेड ना, यू हैव टू सी, हमें प्रोटोटाइप नहीं चाहिए, फॉर पैटेंट फाइलिंग वी डोंट नीड द प्रोटोटाइप, बट फॉर कमर्शलाइजेशन वी विल बी रिक्वायरिंग प्रोटोटाइप, फॉर पैटेंट फाइलिंग वी जस्ट नीड योर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन पेपर, और उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन चाहिए कि अगर आपने लेट से ये सिर्फ कवर भी बनाना है तो कवर किस मटेरियल का बनेगा, क्या शेप होगी, क्या साइज रहेगा और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो बेसिकली आपको अपनी टेक्नोलॉजी पेपर पे अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनफीजिबल लगे, देन दैट इज़ सफिशियंट फॉर अस। ना ही हम आपसे प्रोटोटाइप मांगेंगे, ना ही पेरेंट ऑफिस मांगेगा, अंटिल अनलेस वी थिंक इट्स फ्रिवलस और फेक। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी चीज़ बना दी जो आप बोलो कि 100% एफिशिएंसी दे रही है, पॉसिबल नहीं है, राइट? सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑन पेपर अगर आप क्लियर हो, आपने जस्टिफाई कर दिया, दैट इज़ सफिशियंट। नो मैम, ओनली आइडिया कैन नॉट बी पेटेंटेड, पेटेंट आइडिया कैन ओनली बी प्रोविजनली फाइल्ड, कि आप उसको प्रोविजनली फाइल करके आइडिया तो प्रोटेक्ट कर सकते हो बट वो सिर्फ 12 महीने के लिए रहेगा। 12 महीने में आपको उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करना ही है, दैट मीन्स आपको उस पर और काम करके उसकी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन डेवलप करनी है और उस 12 महीने में उसको कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो वो अबैंडन हो जाएगा, अगर कर लिया देन इट विल कंटिन्यू एज ए कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन, आपका पूरा आइडिया और इंप्लीमेंटेशन सिक्योर हो जाएंगे। तो मूविंग बैक टू द स्लाइड, फर्स्ट बेनिफिट मॉनिटरी बेनिफिट, मैंने आपको अभी दो सिंपल एग्जांपल दिए, एक इंडिया का एक बाहर का। सेकंड इज योर वर्थ, एक स्टार्टअप की जो वर्थ होती है क्या होती है, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, या शार्क टैंक में भी आती है आपकी वैल्यूएशन क्या है। सो एज एन इंडिविजुअल पर्सन मेरी वैल्यूएशन क्या है, मेरा रिज्यूमे है मेरी वैल्यूएशन, मैंने क्या पढ़ाई करी, कौन से स्कूल से पढ़ा, कौन से कॉलेज से पढ़ा, क्या डिग्री है मेरे पास, कितने मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे, कितनी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी, कितनी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ करी। वन ऑफ द मेन थिंग, क्या मेरे रिज्यूमे में पैटेंट फाइल या पैटेंट ग्रांटेड है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा माइल ड्यूरिंग योर लॉन्ग टर्म करियर। लाइव एग्जांपल, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इन गुजरात 2016 की बात है, TCSI प्लेसमेंट के लिए, तो TCS का एवरेज पैकेज क्या जाता है, 3.25 मैक्सिमम 4। सो मास प्लेसमेंट 70 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड और 69 को वही सेम पैकेज मिला, एक स्टूडेंट को पैकेज मिला 8.9 लैक्स का। हाउ? जस्ट बिकॉज ही वॉज हैविंग 3 फाइल्ड पैटेंट एंड 1 ग्रांटेड पैटेंट एप्लीकेशन इन हिज रिज्यूमे। सो ये वर्थ है एक्चुअली में पैटेंट की, बिकॉज पैटेंट फाइलिंग से डायरेक्ट मतलब ये है दैट यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। वेन एवर यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर करियर, आइदर इट प्रोफेशनल पर्सनल, यू विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट। सो दैट माइंड सेट industry have, because we are interacting with industry, we know what they want from you when they come to hire you. Similarly, what skills they want, what kind of attitude they want. So patent is one of those things that is definitely going to give you success in your long term. Chahe aap abhi padh rahe ho, chahe aap kahin bhi padho. In fact, Ivy League colleges ke bare mein padha hai sabne? What are Ivy League colleges? So unka bhi ek requirement ho gaya ki if you are coming from schools, matlab Indian schools se ya kisi bhi country ke schools se aa rahe ho, then if you have a patent filed in your resume, that is going to give you extra marks in their admission criteria test. So Dhirubhai Ambani school ke sath abhi hamara association hua, so now their students are also filing patent application. Can you guess, they are not into BTech, BSc, IT. Dhirubhai Ambani is a good school jahan pe sare film stars ke bacche padhte hain, so they are also filing patent applications. This is all for today. Being in WIPS process is very simple. There is one email ID जो आप सबको communicate हो जाएगी, उस पर उसी से ही communication होगा complete campus में. Forms, there is a single form. उस form में 12 से 13 questions हैं. I'll just show you the form also. क्या question है कि title क्या है आपके idea का, क्या problem आप solve कर रहे हो, क्या solution आपने develop किया, उस solution का implementation कैसे होगा with the help of diagrams you have to explain.
दैट्स इट, 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। आइडिया आपने कंसीव कैसे करा बेसिकली, तो उसका अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के आप हमें उस फॉर्म में फिल करके दे दोगे, योर वर्क इज डन। रेस्ट ऑल द वर्क विल बी डन बाय योर आईपी सेल, योर लीगल सेल, दैट इज वी आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ फिप्स, सो वी विल डू इट ऑन योर बिहाफ। आवर हेड ऑफिस इज इन नोएडा, तो हम पहले उसकी पेटेंटेबिलिटी सर्च करेंगे, सर्च में टू चेक कि वो पेटेंट नोवेल्टी इन्वेंटिव स्टेप और यूजफुलनेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। सो वी हैव एक्सेस टू लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स हु कैन विच कैन सर्च अक्रॉस द ग्लोब, तो हमारे पास 10 trillion से ज़्यादा पेटेंट का डेटाबेस है जहाँ पे हम सर्च करते हैं, और 100+ jurisdictions में हम सर्च करते हैं टू चेक कि वो नॉवल है या नहीं। तो फर्स्ट नॉवेल्टी चेक हम करते हैं, सेकंड नॉन ऑब्वियसनेस वी ऑल्सो डू साइमल्टेनियसली, सो आफ्टर दैट वी विल गिव यू अ रिपोर्ट। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव है देन इट मीन्स योर पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, अगर वो नेगेटिव है आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सो देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड 15-20 टाइम्स टू फाइल ए फर्स्ट पेटेंट, दैट मीन्स 15-20 बार उनके आइडियाज रिजेक्ट हुए हैं तब जाके एक पेटेंट फाइल हुआ है। अभी मैंने समझाया तो बहुत ईजी में समझ आ गया होगा, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरियाज आर वे टू टफ, और जो चीज़ आप अभी सोच रहे हो ना, आई कैन गारंटी वो 10-20-30 साल पहले हो चुकी है, 100% गारंटी, बिकॉज एक्चुअल फैक्ट है जो चीज़ हम सोचते हैं वो 10 लोग अराउंड द वर्ल्ड सोच रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सुना है अभी सबने, मेटावर्स के बारे में सुना होगा, सो मेटावर्स की टेक्नोलॉजी कब आई होगी, रफ गेस, 1964 माइक्रोसॉफ्ट फाइल्ड फर्स्ट पेटेंट एप्लीकेशन रिलेटेड टू वर्चुअल वर्ल्ड, कंप्यूटर्स भी नहीं थे इंडिया में उस टाइम पे, वर्चुअल वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो चुका था। सो दिस इज द एक्चुअल वर्ड कि आप को नहीं पता है क्या टेक्नोलॉजी है या नहीं है, सो इट्स बेटर, एफर्ट्स लगेंगे, रिजेक्शन होंगे, बट यू डोंट हैव टू डिमोटिवेट योर सेल्फ, कीप ट्राइंग, मे बी वन डे यू विल हैव अ पैटेंट ऑन योर नेम। थैंक यू सो मच।